नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सीधा सवाल। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविरल मलिक जी, जो भाजपा प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केसरिया रक्षा फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है अविरल साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। आजम खान को फिर दोबारा जो है जेल हो गई है और उनके पूरे परिवार को, हालांकि इस पर जो है अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं की प्रक्रिया तो आई है, लेकिन भाजपा का भी रुख जान लेते हैं कि इसके बाद क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला नंबर है। जिस तरह की उनकी बयानबाजी और हरकतें आ रही हैं, तो क्या लग सकता है नंबर जिसको लेकर के साल भर से सियासत चल रही है, कहीं रामायण चल रही है तो कहीं गीता चल रही है। जी जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी व्यक्ति है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति है और ऐसे हिंदू विरोधी व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये स्पष्ट तौर पर आपके चैनल पर देना चाहता हूँ। साथ साथ आपको बता देना चाहूंगा, आजम खान का प्रश्न आपका है, आजम खान एक बहुत बड़ा अपराधी और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आजम खान अपराधी कितनी है, किस प्रकार से और जो गलत कार्य किए गए हैं, गलत कृत्य किए गए हैं, उनकी सजा मिलना तो निश्चित है। आज इनको कल सजा तो जरूर मिलेगी। इनको ये मालूम होना चाहिए जो इन्होंने गलत कार्यों का आनंद लिया है, उनको भोगना जरूर पड़ेगा। इस देश में कानून का राज है, कानून का राज हमेशा कायम रहेगा। और आजम खान के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए, उत्तर प्रदेश में बदमाशी, जिस तरह के बयान आते हैं, जिस तरह के बयान आते हैं, उनका अवैध कार्य बढ़ाने का कार्य। जी देखिए, आजम खान के द्वारा उत्तर प्रदेश में लूटपाट को, बदमाशी को, चोरी को, डकैतियों को, अपराधों को, महिलाओं का शोषण करना, इन सारे कार्यों को बढ़ाने का प्रेम यदि किसी को जाता है तो आजम खान को जाता है। आजम खान के समय में जब वो उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, तभी लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि थी, तभी हिंदुओं का शोषण करना पर पहुंचा। मुजफ्फरनगर बंगले की आप बात कर सकते हैं, आपको मालूम होगा किस प्रकार से मुसलमानों के द्वारा गलत कार्य किया गया और निर्दोष हिंदुओं को मारने का, सच्चे लोगों को मारने का कार्य मुसलमान लोगों के द्वारा किया गया, मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया। उसको समर्थन समाजवादी पार्टी का था, समाजवादी पार्टी के द्वारा ये सारे कार्य कराए गए। अखिलेश यादव के शासन में ये सारे कार्य हुए, उनकी देख रेख में, उनके कारणवश ये सभी कार्य हुए, ये सारी घटनाएं। लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो है जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं और जिस तरह के आरोप लगा रही हैं भाजपा के ऊपर लगातार, कि भाजपा जो है वो अपनी दो तरफा राजनीति कर रही है और ऐसे में रोटियां भी सेक रही है, आरोप आपके ऊपर ये भी लगाए जाते हैं कि आप जातिगत जो है वो राजनीति करते हैं, आप जब समय और धर्म का देख लेते हैं तो आप धर्म की राजनीति भी करने लगते हैं, तो ये आरोप जो है लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें फैसला तो माननीय अदालतों ने दिया है, तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि अगर टिप्पणी करना, अदालतों को चुनौती देना, चैलेंज करना नहीं होगा। अगर कोई नेता जो है बाहर आकर के और इतने बड़े स्तर का, अखिलेश यादव जी अगर बोल रहे हैं, न्याय पर सवाल उठा रहे हैं, इंसाफ पर, तो लगता नहीं है कि वो भाजपा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं या फिर अदालतों पर सवाल उठा रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अदालत का अपमान करना उनकी आदत है, कानून के खिलाफ कार्य करना उनकी आदत है। लोगों के द्वारा परिवारवाद को, तुष्टिकरण को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य किया गया, देहातियों को पनपने देने की यदि अनुमति व्यक्ति के द्वारा प्रदेश में दी गई तो आजम खान था। आजम खान और अखिलेश यादव के द्वारा उत्तर प्रदेश में व्यवसायियों को बढ़ावा देने का कार्य किया था, उन समुदाय के लोगों को बढ़ावा देने का कार्य किया था। सबने जानते हैं बात को, कोई झूठ नहीं है। आप भी जानते होंगे केशव जी, उत्तर प्रदेश में देहातियों को बढ़ावा आजम खान के समय में दिया गया। इस बात को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आजम खान ही वो व्यक्ति था जिसने देहातियों को बढ़ावा दिया। मुजफ्फरनगर दंगा आजम खान और अखिलेश के कारण हुआ, जो पूरे मुजफ्फरनगर की जनता जानती है, पूरे देश की जनता जानती है।
इन लोगों के द्वारा गलत साबित हो जाते हैं और उसके बाद भाजपा के ऊपर आरोप दबाने का एक लोगों के द्वारा कार्य किया जाता है। माननीय अदालतें जो जिनका पक्ष था उस पक्ष को भी सुना और कहा भी गया। देखिए अदालत अदालत का फैसला अदालत क्या कहती है, अदालत के द्वारा क्या कहा जाता है, समझने के लिए इतना बात कह सकता हूँ कि अदालत का जो फैसला है अदालतों को सर्वोपरि मानकर चलना चाहिए। सभी लोगों को अदालतों का सम्मान किया जाना चाहिए और ये अदालतों का सरकार का देश का हिंदू धर्म का सरकार मांग कर रहे अविरल जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या लगातार अदालतों का अपमान करना, उनकी अवमानना करना, ये तो देश के नेताओं का जो है चलन हो गया है, लेकिन साथ ही हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं उनका अपमान करने का भी चलन हो गया है। कोई आता है भगत सिंह का अपमान कर देता है, कोई आता है नेताजी का अपमान कर देता है, कोई आता है तो गांधी जी का अपमान कर देता है, कोई सावरकर का अपमान सालों साल करता रहता है। तो ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगानी चाहिए क्या? जो पशु रत्ती के लोग हैं इन लोगों के लिए कानून नहीं होना चाहिए क्या? क्योंकि वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी भी साफ साफ कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे वो भाषा समझाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जब कोई क्रांतिकारियों के खिलाफ और हमारे देश के जो है महापुरुषों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो धरती से योगी जी को क्या सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या बड़ा कानून जो है ऐसा नहीं बनाया जाना चाहिए कि उनके घर ध्वस्त कर देने चाहिए? वो भारत में रह कैसे रहे हैं जो हमारे महापुरुषों के खिलाफ अगर बोल जाए, जिन्होंने आजादी में जंगे आजादी में जो है अपना खून बहाया है, लहू बहाया है और वो लड़े हैं डट करके, सामना किया है अंग्रेजों का, और ऐसे में अगर उनको गाली दी जा रही है तो ये जिम्मेदारी पूरे भारत की नहीं है क्या? जी देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ, प्रश्न आज आजम खान के ऊपर है। तो आजम खान चोर है, लुटेरा है, भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, आदि है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है और इसके साथ साथ में ये भी आपको चैनल के माध्यम से कर दे रहा हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य ये लोग हैं, गैंग का सदस्य है और टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों को समर्थन देने समाजवादी पार्टी के द्वारा किया। दो रक्षा के गौ सेवा के खिलाफ कार्य करने वाले जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग गौ रक्षा के भी खिलाफ है, गौ सेवा के भी खिलाफ है, गौ भक्तों के भी खिलाफ है, राम भक्तों के भी खिलाफ है, भक्तों के भी खिलाफ है, भक्तों के भी खिलाफ है। अब मैं स्पष्ट तौर पर आपको कह सकता हूँ, अयोध्या तो बस जाति है, काशी मथुरा वास्तु है। अब अयोध्या का फैसला हो चुका है, राम मंदिर बन रहा है और काशी और मथुरा की भी बाजी है। अब यहाँ जिहादियों की सरकार नहीं है, जिहादी अधिकार नहीं है, जिहादी लोग जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़े थे अविरल मलिक जी जो भाजपा प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय फाउंडेशन के, और हमेशा की तरह बेबाकी से उन्होंने जो है सवालों के जवाब भी दिए और आजम खान पर भी निशाना साधा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।